दूध की बात करें तो एक टाइम का अगर अच्छे नस्ल की भैंस है आपके पास, मुर्रा भैंस है, तो 7 से 8 लीटर एक टाइम का दूध देती है। ये जो नस्ल देख रहे हैं आप, ये मुर्रा नस्ल है। मुर्रा नस्ल का जो दूध काल होता है, यानी कि जो इसका मिल्किंग पीरियड होता है, वो ज़्यादा होता है। इसका सबसे अच्छा होने का कारण ये भी है कि एक तो इसके दूध की फैट बहुत शानदार है। मुर्रा नस्ल की ये भैंस की फैट की बात करें तो कम से कम 7 की फैट आसानी से आ जाती है। पशुपालक भाइयों, आज मैं आपको बताऊंगा कि डेयरी फार्मिंग के लिए सबसे अच्छे नस्ल की भैंस कौन सी रहती है, कौन सी भैंस की नस्ल अगर हम लेके आए तो वो हमें सबसे ज़्यादा प्रॉफिट देती है। नमस्कार पशुपालक भाइयों, मैं प्रेम सिंह चारण राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले से, और आप देख रहे हैं फार्मर द जर्नलिस्ट। पशुपालक भाइयों, भैंसों के नस्लों की बात करें तो भैंसों की नस्लों में मुर्रा, जाफरावादी, भदावरी, सूरती, मेहसाणा, ये प्रमुख नस्लें पाई जाती है। लेकिन इनमें से डेयरी फार्मिंग के लिए सबसे अच्छी नस्ल मुर्रा को माना जाता है। एक जाफरावादी नस्ल आती है, वो सबसे ज़्यादा दूध देती है, लेकिन उसका म्याद कम समय का होता है, यानी कि वह 7 महीने दूध देती है, उसके बाद में वापस उसका ड्राई पीरियड आ जाता है। लेकिन मुर्रा नस्ल है वो डेयरी फार्मिंग के लिए सबसे अच्छी नस्ल मानी जाती है। ये जो नस्ल देख रहे हैं आप, ये मुर्रा नस्ल है। मुर्रा नस्ल का जो दूध काल होता है, यानी कि जो इसका मिल्किंग पीरियड होता है, वो ज़्यादा होता है। अगर हम पूरे ब्याज की बात करें तो मुर्रा भैंस सबसे ज़्यादा दूध देती है, और अगर हम प्रतिदिन के हिसाब से दूध निकालें तो जो जाफरावादी भैंस होती है वो ज़्यादा दूध देती है। लेकिन मुर्रा भैंस सबसे अच्छी रहती है डेयरी फार्मिंग के लिए। इसका सबसे अच्छा होने का कारण ये भी है कि एक तो इसके दूध की फैट बहुत शानदार है। मुर्रा नस्ल की ये भैंस की फैट की बात करें तो कम से कम 7 की फैट आसानी से आ जाती है, 7 से लगाकर 10 तक की फैट आ जाती है। दूध की बात करें तो एक टाइम का अगर अच्छे नस्ल की भैंस है आपके पास, मुर्रा भैंस है, तो 7 से 8 लीटर एक टाइम का दूध देती है। दोनों टाइम के मिला के 14 से 15 लीटर तक दूध देती है, और इसका दूध काल ज़्यादा होने के कारण ये डेयरी फार्मिंग के लिए सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल भैंस है। अगर आप डेयरी फार्मिंग शुरू करना चाहते हैं या डेयरी फार्म चला रहे हैं, और अगर आप भैंस का डेयरी फार्म चलाना चाहते हैं या भैंस का डेयरी फार्म चला रहे हैं, तो आपको मुर्रा नस्ल की तरफ जाना चाहिए। मुर्रा नस्ल आपके लिए सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो सकती है। आपको भैंस ऐसी लानी चाहिए जिसकी चमड़ी चमकीली हो, पूंछ एकदम मुलायम हो, अंडर अच्छा बड़ा होना चाहिए, और मुर्रा नस्ल के भैंस की पहचान आप सींग देखकर भी कर सकते हैं। इस तरह जलेबी के आकार के सींग होते हैं मुर्रा भैंस के, ये मुर्रा भैंस के पहचान है। पशुपालक भाइयों, अगर आप इस तरह की भैंस लेकर आएंगे और मुर्रा नस्ल की भैंस लेकर आएंगे, तो आपको डेयरी फार्मिंग के लिए सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल भैंस मुर्रा ही होगी। इसके अलावा एक भदावरी नस्ल आती है, भदावरी नस्ल की फैट सबसे ज़्यादा आती है, और उससे घी सबसे ज़्यादा जमता है। अगर आप घी बनाने के लिए अगर भैंस ला रहे हैं, आप दूध नहीं बेचना चाहते और सिर्फ घी बेचना चाहते हैं, तो फिर आपको भदावरी नस्ल की तरफ जाना चाहिए। भदावरी नस्ल की फैट 12 से 13 की फैट आती है, मुर्रा की 7 से 10 की फैट आती है। अगर आप डेयरी फार्मिंग पर दूध बेचने के लिए भैंस ला रहे हैं, तो फिर आपको मुर्रा लानी चाहिए। घी बनाने के लिए भैंस ला रहे हैं, तो फिर आपको भदावरी भैंस लानी चाहिए। पशुपालक भाइयों, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को ऑन कर दें, ताकि आपको खेती से तथा पशुपालन से संबंधित ऐसी साइंटिफिक जानकारी समय समय पर प्राप्त होती रहे।